गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है ना? प्रीति कह रही है यस। तो आप लोग मिलिए आज प्रोफेसर राम कुमार, रैंक 22, इसी बार वाले प्रोफेसर हैं, और आपको आज के लिए टिप्स देंगे कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। और आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी ये 12 में पोस्टेड है और आज आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, तो आप लोग अपना सौभाग्य समझते हुए जो भी क्वेश्चन पूछना है कि कैसे तैयारी करें। और अभी अभी ये बाहर जो टिप्स दे रहे थे उसको एक लड़का जो पीछे बैठा हुआ है, अभी नया आया, कि बिना जीके के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इनसे अच्छे से पूछ लो कि जीके। हाँ, तो हम सभी मिलकर प्रोफेसर राम कुमार का स्वागत करते हैं और आप लोग सुनिए कि कैसे बताते हैं। तो आप सभी मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है। तो देखो, तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता ही है किस तरह से कैटेगराइजेशन है। एक फर्स्ट पेपर होगा आपका और दो सब्जेक्ट के पेपर होंगे, मार्क्स का भी कैटेगराइजेशन पता है आपको। तो जीएस जो है वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। इंटरव्यू आपका 24 नंबर का होगा, तो अगर आप चाहें कि आपको इंटरव्यू के नंबर का गैप कम करना है तो आप जीएस पढ़ो। मैं तो कहता हूँ 50 में से आप 40 नंबर लाओ कम से कम जीएस, आपका सिलेक्शन आराम से होगा। और फिजिक्स तो आपकी यहाँ पे स्पिन एजुकेशन में हो ही जाएगी, जिस तरह से सर आपको मटेरियल दें उस हिसाब से आप पढ़ो, ठीक है? और सेलेक्टेड मटेरियल ही पढ़ो जिस हिसाब से सर और मैम बताएं आपको। मतलब आप इधर उधर से कहीं से भी आप कलेक्ट करोगे फिर आप उस पर जाने से बेहतर है, जैसे एक किताब को आप 4 बार पढ़ो और आप 4 किताबों को एक बार पढ़ रहे हो, तो बेहतर कौन सी है? एक को 4 बार पढ़ो, समझ रहे हो ना? और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ ली फिर दूसरी पढ़ ली तो उसमें मजा नहीं है। आपको जीएस अगर पढ़नी है तो जीएस में क्या है, उसको ऐसे रटो मत, उसको अपनी आंखों के आगे से बार बार निकालो, समझ रहे हो ना? नहीं, एक घंटे में आप एक पेज नहीं पढ़ पाओगे। तो जीएस का सबसे बेहतर तरीका जो मुझे लगता है, आप उसको बार बार पढ़ो, मतलब आपकी आंखों के आगे से निकालते रहो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो जीएस आपके माइंड में फिर स्टेबल होने लग जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा वो सेचुरेट हो जाएगी, और आप करेंट रोजाना पढ़ते रहो। जैसे सूजस है, 2 मासिक आती है वो, तो वो पढ़ते रहो। और वैसे भी उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, राजस्थान का ही पूछेंगे वो, ठीक है ना? पूरे से उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके, तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। और यहाँ से जो मटेरियल मिले उसको अच्छे से एनालिसिस करो आप, समझ रहे हो मेरी बात? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करना मतलब कंपटीशन क्वालिफाई करने की विशेषता है नहीं। आप कहीं से इंस्टीट्यूट से कहीं से भी कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो, बुक्स तो ऐसे पेनोरमा की भी आती है पर उसकी लैंग्वेज टफ आती है, ठीक है ना? वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं पर वो तुम्हें बोरिंग लग सकती है, पेनोरमा की किताब काफ़ी अच्छी आती है ना? पर मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने वो लच की किताब भी खरीदी थी पर मैंने पढ़ी नहीं थी। मैं तो जो मैंने किया था मैं वही बताऊँ आप लोगों, मैंने उत्कर्ष से ऑनलाइन कोर्स लिया था 1500 रुपये में, उस टाइम मिल रहा था ऑफर में, तो वो पहले के आरएएस के वीडियो थे रिकॉर्डेड, तो मैंने वही पढ़े थे। मेरे तो मैंने तो पहली बार पढ़ा था तो मेरे 25 नंबर के आसपास आए थे मेरे उस टाइम नंबर, पेपर बिगड़ा ही था मतलब, पर काफ़ी अच्छे नंबर थे उस टाइम। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरे इंटरव्यू का जो गैप था वो काफ़ी कम हो गया, समझ रहे हो? तो आप आराम से पढ़ो और हर चीज़ को एनालिसिस करते हुए जाओ, और सिलेबस जो है आपका सब्जेक्ट का उसके किसी भी टॉपिक को छोड़ना मत। मतलब क्या होता है, कभी कभी आप टॉपिक छोड़ देते हैं उसके सरफेस से क्वेश्चन आ जाता है तो आधे नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो सिलेबस के A to Z पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। और वैसे मैम पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे आपको, ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो पूरा पढ़ो, और मैं तो कहता हूँ मल्टीपल टाइम्स पढ़ो आप चीज़, एक दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप जीके को 20 बार रिवाइज कर सके तो मैं तो कहता हूँ 20 बार करो। अगर आपके अंदर 50 बार उसको पढ़ने की क्षमता है तो आप पढ़ो।
क्योंकि आप देखो अभी साइंस स्ट्रीम से हो, तो आप, हमने कभी जीएस पढ़ी नहीं है, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी अपने टाइम पे, मैंने पहली बार ही जीएस पढ़ी थी, तो थोड़ा सा टफ होता है। और राजस्थान का जो जीएस है वो मुझे लगता है इंडिया के जीएस से थोड़ा, उसकी कल्चर वगैरह है वो काफी टफ है। कुछ हाँ भी आ सकता है, तो इसीलिए उसका तरीका यही है कि आप बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है ना। और सब्जेक्ट को तो कोई यहाँ इश्यू है ही नहीं, मतलब सब्जेक्ट तो आपका बेहतर ही होगा, मेरा तो ये मानना है। स्पेन में आ गए हो तो सब्जेक्ट तुम्हारा हो जाएगा, बस सर और मैम जिस हिसाब से आपको गाइड किए वो प्रॉपर टाइम से करते रहो, बस उसमें लापरवाही मत बरतना। जैसे आज क्वेश्चन सीट दी आपको मिली, तो मतलब कल तक वो सॉल्व कर देनी है आपको, इस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आपने छोड़ा आज का काम कल के लिए छोड़ा, फिर वो बढ़ता ही जाएगा, वो काम होगा भी नहीं। तो आज जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन आज ही निकाल लो तो ज़्यादा बेहतर है, कल कोई समस्या ही नहीं आएगी, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ तैयारी का और कुछ है नहीं, और तैयारी हम उसी हिसाब से करते हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया उसी पैटर्न पे, कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं भी चले जाओ आप इस इंडिया में, वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी करवाते हैं, ठीक है। पर अब जैसे सर हैं मैम है, अनुभव होता है, तो फ्यूचर में किस टाइप के और क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी, समझ रहे हो ना। किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा आपने तो उसमें कितने क्वेश्चन बनने की संभावना है वो देखा करो आपको, कि यहाँ यहाँ से ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बस वो पढ़ो। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकालने से भी कुछ नहीं होता तुम्हारा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकालने से कुछ नहीं होता, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, पता है आपको कि फिजिक्स के अंदर इसमें इस टॉपिक में हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर वो पकड़ लिया तो क्वेश्चन अपने आप हो जाता है वहाँ पर, क्लिक हो जाता है और सॉल्व भी हो जाता है। तो आप उन क्वेश्चंस को करो जिनसे प्रोडक्टिविटी आए तुम्हारे अंदर। जैसे एक क्वेश्चन किया तो उसमें से क्या है आपके कई सारे टाइप की वैरायटी कवर हो जाए, ऐसे क्वेश्चन करो, वो तुम्हारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। और जैसे एक सब्जेक्ट उठाया आपने तो उसको बढ़िया बिल्कुल मन से, ऐसे बोरिंग, एक बात याद रखना बिना मन के पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी चीजें, बिल्कुल अगर मन से पढ़ोगे ना कि हाँ मुझे तो अच्छा है मजा आ रहा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तब समझ में आएगी चीजें, और तभी वो अंदर जा पाती हैं, नहीं वो अंदर नहीं जाती चीजें। जैसे आपका मन कहीं और है और आप बैठे हो यहाँ पे, तो स्थिति बहुत विकट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे हो तो आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, सर बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो ही सुनना है, उसके अलावा नहीं सुनना है कुछ भी, क्या तुम रास्ते में किसी को देख के आ गए वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहाँ हो तो मतलब यहीं हो, तो अपने कंसंट्रेशन पावर है ना उसको बढ़ाओ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मैं तो यही कहता हूँ। सर डिपार्टमेंट से हैं, मैम डिपार्टमेंट से हैं, अब इनसे एफिशिएंट प्रोफेसर आप जानती हो कौन हो सकता है, तो आप मज़े से पढ़ो और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। समझ में नहीं आए तो 24 घंटे सर और मैम उपलब्ध है आपके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी और तैयारी करने का मेरे भी कोई आठ आठ हाथ पैर तो है नहीं, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है तो मेरा हो सकता है तो तुम्हारा भी आराम से हो सकता है कि नहीं सर। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी ऐसे कभी तुम्हारी तरह ऐसे खड़ा रहता था और यहाँ पे हमारे सीनियर्स लोग आते थे तो मैं उनको सुनता था, फिर मुझे पता लगा कि यार सब एक जैसे ही हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, बस समय का फेर है, जिसमें जो मेहनत कर जाता है वो निकल जाता है, और तुम डिमोलाइज हो जाओगे पहले ही कि ये नहीं होगा। और एक चीज, कितने फॉर्म आए कितनी भीड़ है उससे नहीं डरना, एग्जाम सेंटर पे भी बहुत मिलेंगे तो उनको देख के डरना नहीं है, बस ये सोचना है आई एम ओनली वन, बस मैं हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है, मेरा पेपर अच्छा ही होगा। कि कहीं भी जाते हो, अब एक सेंटर पे जाते हो तो कम से कम इतनी भीड़ मिलती होगी आपको, बहुत सारी भीड़ मिलती है,
आप ये सोचोगे यार इतने सारे बच्चे आए हैं और इतनी ही सीटें हैं, यार कैसे होगा। तो ये सबसे बड़ी मतलब मैं तो एक तरह से मूर्खता मानता हूँ, मतलब ये तो आना ही नहीं चाहिए दिमाग में कि कितनी भीड़ है, समझ रहे हो, ये दिमाग में कभी मत लाना, नहीं तो कहीं पे भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, मैं तो सही बता रहा हूँ। तो आप तो ये सोचो मेरी तैयारी बेहतर है, मैंने हर चीज़ कवर की हुई है, आपको पता है आपने पढ़ाई की है, अब बस ये सोच के जाना है एग्जाम में कि यार मैनेज कैसे करना है क्वेश्चन को। दूसरी चीज़, 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें ये याद रखना कि छोड़ना कौन सा है, ठीक है ना, ऐसे मत करना कि एक क्वेश्चन में आप रह गए और वहीं अटक गए, नहीं आ रहा तो स्किप करो, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो वो नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन से लेके 150 तक पहुंचना है। कभी कभी क्या होता है, हर किसी का क्वेश्चन का जो सीरीज है वो अलग अलग आता है, पीछे आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो हो जाते हैं तुरंत और एक के चक्कर में वो बिगड़ जाते हैं। तो आपको 150 तक तो जाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको हर क्वेश्चन तक पहुंचना है, मतलब हर क्वेश्चन को छूना है आप किसी भी हालत में। और मैं तो कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैंने 150 क्वेश्चन में दो बार, जैसे दो बार राउंड किया या तीन बार किया, वो प्रोसेस देखो, मैंने पर्सनली में तो गलत लगता है, मैंने तो एक बार किया था, 150 क्वेश्चन को एक बार टच किया था, क्योंकि मुझे पता है जो 3 घंटे में हो गया वो हो गया और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ तुम्हारा कंसेप्ट छूट रहा है उसको गोला कर दो, बाद में हो जाता है, पर 2 राउंड या 3 राउंड का ये मुझे समझ में नहीं आता सर, मेरा तो ये पर्सनल कहना है। अगर आपकी आपकी इफिशियंसी है तो आप एक राउंड में पहुंच जाओ, 150 तक चेस कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथियों से भी मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था 1 में ही काम हो गया, तो वो चीज थोड़ी अच्छे से। और यहीं यहां हो तो यहीं रहो, मतलब इस रूम में है बोर्ड है तो बस, ये जो सर बता रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है जो भी है यहीं पे होना चाहिए आपका दिमाग। और सर जैसे पढ़ाते हैं ये ग्राफ प्लॉट क्यों किया, ये कर्व ऐसे क्यों आ रहा है, अब ये रेजोनेंस वाला कर्व पढ़ा रहे हैं, वहाँ रेजोनेंस हो रहा है, एल और सी की वैल्यू है, तो कौन कौन सी कंडीशन है, तो वो सब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, सार वैल्यू कैसे आएगी, तो वो आपको मतलब फिजिकली पता होना चाहिए बिल्कुल कि हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंडक्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे पढ़ो, बिल्कुल एनालिसिस करते हुए पढ़ो, याद तो रखना ही है पर तरीके से, बट डायरेक्ट मत रटो कि फॉर्मूला याद कर लिया और हो गया, ऐसे मत करो, समझो फिर याद तो रखना है ही, बिना याद रखे वहां एग्जाम में क्या करोगे। दूसरी चीज, अपने अभी से शॉर्ट नोट्स तैयार करो, आप जैसे पोतंगा हो जाएगा आपके पास खूब इतने इतनी सारी हो जाएंगी, उसको रिड्यूस करके एक इतनी मोटी में कॉपी में कन्वर्ट अगर आपने कर दिया अपने नॉलेज को यहाँ तक, तो आप पार हो जाओगे। मतलब जो सीधी चीज़ें आती हैं उनको आप शॉर्ट तरीके से लिख लो, तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। मैंने इतने से बनाए थे अपने, एक दिन में रिवाइज करके चला गया था, तो शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बनाओ, क्योंकि उसमें मैम क्वेश्चन भी करवाती हैं वो है, तो क्वेश्चन किस तरह से करना है उसकी अप्रोच थोड़ी सी उसमें नोट डाउन कर लोगे, इस टाइप से ऐसे हो जाता है ऐसे, फॉर्मूला तो आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूले तो एक जगह रख लो और रट लो उनको, तो उनकी तो जैसे कुछ लोग सुबह ब्राह्मण होते हैं जो मंत्रों का जाप करते हैं ना, ऐसे फॉर्मूलों का तो आपको याद होनी चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो वैसे कुछ आदत में आ जाएंगे। जैसे कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले थोड़े से उल्टे ही आते हैं, वो थोड़े याद नहीं रहते, तो उनको थोड़ा सा ऐसे जो जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये याद नहीं रहते उनको तो आपको लिखना ही है और बार बार देखना है, मतलब जो चीज़ आपको याद नहीं होती मतलब उसको छोड़ना नहीं है, उसको लिख लो और उसको बार बार उसको तोड़ने का प्रयास करो, सीधी सी बात है, जो चीज़ आपको नहीं होती उसको बार बार करो, फिर वो हो जाएगी, और जैसे ही वो सॉल्यूशन हो जाएगा फिर आपके दिमाग से प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जो चीज़ नहीं होती वो तो करनी है आप, क्योंकि जो चीज़ हो रही है वो तो हो रही है, और जो चीज़ नहीं हो रही हो सकता है वो किसी और से नहीं हो रही, वो तुमसे हो जाए तो तुम फिर आगे निकल जाओगे ना, तो जो चीज़ नहीं हो रही है वो तो करनी है,
तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और आराम से मजे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सर जब तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह होगा तो सर मुझसे भी बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे यहाँ पे, तो आपका उनसे भी काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे से वो बेहतर बताएंगे आपको और भी, अभी के लिए तो आप बस इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, जैसे कि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखो मेरा आवर पे मत जाओ, एक तो आप, हर व्यक्ति की इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी रेट अलग अलग होती है, समझ रहे हो ना, कि मैं अगर तुम्हें कहूँ कि तुम्हें 8 घंटे पढ़ रहा है, वो व्यक्ति हो सकता है 6 घंटे में उस काम को कर दे। तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी रेट क्या है, मतलब तुम किस हिसाब से मैनेज कर पा रहे हो, उस हिसाब से पढ़ो। अब उसमें आपको कितने घंटे लग रहे हैं वो आपका पर्सनल पोटेंशियल है उसमें, समझ रहे हो। अब मैं किसी से कह दूंगा कि 12 घंटे पढ़ो, तो मुझे तो नहीं लगता कि 12 घंटे कोई मतलब इफिशियंसी वाली बात है। मतलब आदमी की एक स्ट्रेंथ होती है, मैं तो कहता हूँ खूब सो, तुम जितनी ज़्यादा नींद लोगे माइंड उतना स्ट्रांग रहता है, ठीक है ना। और जो काम आप जाग के कर रहे हो 6 घंटे में, वो मुझे लगता है कि 4 घंटे में हो जाएगा, सही कह रहा हूँ ना सर, अगर आपके पास एनर्जी रहेगी। और दूसरी चीज, खाने पीने की बात अगर करना चाहो तो आप फास्ट फूड वगैरह से बचना, ठीक है। तो जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, किशमिश है, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करो, उससे क्या है माइंड रहता है। और रोटियां ज़्यादा खाते हैं तो क्या है, थोड़ी नींद आती है, वाटर लेवल है अपनी बॉडी के अंदर अप रहना चाहिए, वाटर लेवल डाउन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और खूब पानी पियो, जैसे गर्मी आए तो पानी वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो मतलब पहले स्वस्थ रहना चाहिए, तब आपका माइंड काम करेगा। अगर आपकी इफिशियंसी है, टाइम मिले तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो। देखो मैं तो रोज जाता था, मैं तो उससे पर्सनल कहूँगा, मैं तो एक्सरसाइज करता था, मैं नेहरू गार्डन जाता था, मैं जब यहाँ रहा था, मैं तो 5 साल गया था, मैं यहीं रहा था तब रूम लेके, यूनिवर्सिटी के बाद मेरा 17 में एमएससी हुआ था, उसके बाद मैं रूम लिया था। तो पहले स्वस्थ रहना ज़रूरी है, अगर आप परेशान हो रहे हो फिर तैयारी कर रहे हो तो एफिशिएंसी और उसका रिजल्ट नहीं है। तो किसी भी स्थिति में मन को शांत रखना सीख, मन शांत रहेगा ना तो चीज़ें समझ में आती हैं, और मन अगर इधर उधर भटकता है तो उसमें चीज़ें समझ में नहीं आती किसी भी स्थिति में। किसी भी सिद्ध पुरुष से भी पूछोगे ना तो वो तभी साधना कर पाता है तब उसका मन शांत रहता है। तो मन को शांत रखो, कोई भी अगर आपको कुछ कहे नेगलेक्ट कर दो अपने हित के लिए, मतलब किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी स्थिति में अपने माइंड को आपको डाइवर्ट नहीं करना है, कष्ट नहीं देना है किसी भी, कुल मिला के बात ये, जब तक आप तैयारी कर रहे हो। बाकी सब सिलेक्शन होना ना होना बाद की बात है, पहले अपना 100% दो, रिजल्ट बाद में देखेंगे। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, नेचर में प्रोबेबिलिटी रहती है। अब कुछ कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ही काम करती है, पर मैं कहता हूँ कि अपने रियल लाइफ में भी क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी काम करती है। तो एटॉमिक स्केल की बात वो अलग हो जाती है कि वहाँ पे उसके जो जो उसके इफेक्ट है वहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं, पर अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है। मतलब एक आपकी जो डेली लाइफ है उसको इमेजिन करके देखना, करती है वो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, वो एक्सपेरिमेंटल दृष्टिकोण से वो अलग चीज है, पर अगर व्यवहारिक दृष्टि से भी देखोगे तो काम करती। तो श्योरिटी नहीं है किसी चीज की, संभावना है ना। जैसे कुछ कहते हैं कि यहाँ आओगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आपसे, आराम से मतलब अपनी जो संभावना है ना उसको आप बढ़ा सकते हो, जैसे आपको लगता है 60% है तो आप उसको 90 तक ले जा सकते हो, है कि नहीं मैम। तो वही सिलेक्शन करवाती है। और 100% तो एक्यूरेसी किसमें होती है, 100% किसी के नंबर आते भी नहीं है, तो वो है। तो ऐसे मत सोचना कि कितने घंटे पढ़ना है, आपको पढ़ना है कितने घंटे, जितनी आपकी क्षमता है और आप कवर कर पा रहे हो उस हिसाब से पढ़ना है।
सब कोई, हर किसी की एफिशिएंसी अलग अलग है, हर किसी का डीएनए अलग अलग है, तो काम करने का तरीका सब कुछ अलग अलग है, ठीक है ना। और कंपेयर मत करना कभी किसी से। स्लिम मिस्टिक्स होती है ना, उसको क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस से कम होती है वो स्लिम मिस्टिक्स। जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना जितनी ज़्यादा, तो जैसे जैसे तुमने स्लिम मिस्टिक की तो उसको नोट कर लोगे, इस कंसेप्ट पे मुझसे यहाँ स्लिम मिस्टिक हो रही है, तो द्वारा नहीं होनी चाहिए वो, जो गलती की वो द्वारा नहीं होनी चाहिए। अगर ये आदत डाल दी तो स्लिम मिस्टिक खत्म हो जाएगी, मेरा ये मानना है सर। जैसे आज आपसे कोई गलती हुई, फिर उसका पता करोगे ये गलती क्यों हुई, और मुझे मेरा कंसेप्ट अगर वहाँ पर मिस हुआ है तो उस कंसेप्ट को वहाँ पर क्लियर कर लो, आप दुरुस्त कर लो। मुझे नहीं लगता कि अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे वो गलती होगी, नहीं होगी ना। तो जहाँ जहाँ पर आपको गलती हो रही है और क्यों गलती हो रही है उनको एलिमिनेट करो, बस इम्प्रूवमेंट करते रहो, तो अपने आप स्लिम मिस्टेक कम हो जाएंगे। स्लिम मिस्टेक फिर भी होंगी पर वो बहुत कम हो जाएंगे, मेरा ये मानना। और स्लिम मिस्टेक होती है जल्दबाजी में। एक चीज़ और, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। क्वेश्चन क्या करते हैं कुछ लोग, के आधा पढ़ा और आंसर टेक दिया, ऐसा मत करना कभी भी। एक वर्ड से ही क्वेश्चन आंसर बदल जाता है उसका। तो स्लिम मिस्टेक सबसे ज़्यादा इस वजह से भी होती है कि आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये आता है, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में आती है स्लिम मिस्टेक शुरू हो जाती है। एक तो ये चीज़ तो बहुत बड़ी है, मतलब जो मैं मानता हूँ। तो स्लिम मिस्टेक से बचने का ये तरीका एक तो ये ही है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से सोचो, और जब एग्जाम में बैठते हो ना तो दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है, आप स्पीड बढ़ जाती है आपके माइंड की, दौड़ता है वो। 3 घंटे में आपको पता नहीं रहता कि आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन रहता है आपका, तो आपका दिमाग खूब काम करेगा, समझ रहे हो ना। तो आपसे जो गलती हुई है उसको हटाओ, और एक क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन में भी गलत करके आ गया। सर मैंने क्वेश्चन पूरे जैसे नहीं पढ़े, मुझे पता था कि ये ऐसे ऐसे, पर उसमें कुछ थोड़ा सा अलग था नीचे तो गलत हो गए। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है क्वेश्चन पूरा पढ़ लो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वहाँ पे आधा रह जाता है कैलकुलेशन, वो कर दो आंसर टिक कर, आधी समस्या माइंड में सॉल्व हो जाती है फिजिक्स की, अगर आपको थ्योरी पता है उसकी तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबके अंदर क्षमताएं हैं, खूब आपके अंदर ऊर्जा है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, आप ये मान लो बड़ा भाई हूँ आपसे, 2-4 साल बड़ा होऊंगा बस, और तो क्या, इतना ही अंतर। तो मस्त रहो, पढ़ाई करो, अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करो, मैं तो ये कहता हूँ। मतलब बाद में आपको ये नहीं लगना चाहिए यार हमें तैयारी थोड़ी सी और कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, मतलब आपको ये लगना चाहिए यार हमने प्रयास खूब किया है, अब नहीं हो पाया वो एक अलग बात। और जिस दिन आपने ये आगे कि यार हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो हो जाएगा, वो कभी कभी एक किस्मत भी होती है, मैं ये भी मानता हूँ लक फैक्टर भी काम करता है, परिस्थितियाँ किस समय पे क्या हैं अलग अलग हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो भी थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करती ही। तो मेरी सबको शुभकामनाएं, आप अच्छे से मेहनत करो और जल्दी से आओ कॉलेज एजुकेशन में, नए लोगों की बहुत ज़रूरत है, स्टाफ की कमी है, तो जल्दी से आओ और कॉलेजों को संभालो, मैं तो ये कहता हूँ। जल्दी से सरकार ये वैकेंसी करवा दे तो कॉलेज एजुकेशन काफ़ी दुरुस्त हो जाएगा, 1913 पोस्ट बहुत होती है, स्टाफ की कमी है, तो आप सभी पढ़ो और आप लोग आओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए अभी से। अच्छा जीके कहाँ से पढ़ें ये आप पूछना चाह रहे हो, है ना। देखो जीके आप बुक्स प्रेफर कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कहीं से ऑनलाइन अगर मटेरियल ले लेते हो, ऑनलाइन अगर आप ले लेते हो अभी से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेलेक्टेड मटेरियल ही पढ़ना है आपको जीके में, आपको जीके में बहुत ज़्यादा ऐसे बाइड नहीं जाना है, और एक चीज़ को जीके में बार बार पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको वो पढ़ना है जो करंट से लेटेस्ट डाटा आता है ना,
जैसे आर्थिक समीक्षा आती है, आप आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना, उसके लिए वो हर साल की आती है, ठीक है, रिवाइज हो, उसमें जितनी भी योजनाएं होंगी वो सारी चीज आती हैं, गवर्नमेंट क्या नए नए काम कर रही है, कौन सी नई नई योजनाएं हैं, तो वो सारी चीजें हैं उसमें। डेटा वाली चीज पूछी जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादातर। नहीं, मैंने आर्थिक समीक्षा बताई है ना, वो पूरा कवर करती है आपकी। आर्थिक समीक्षा आती है, आर्थिक समीक्षा आती है, वो कवर करती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। करंट में आप 2 महीने की जो आपकी जो मासिक आती है, सूजस आती है, वो पढ़ो। 2 मासिक आती है, वो पढ़ो और अच्छे से पढ़ो उसको। उसमें जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी चीजें हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो सारी चीजें पढ़ते रहो। मतलब जीके को कुल मिला के आपको किसी को नहीं छोड़ना है। जीके में जितनी ज्यादा स्कोरिंग उसका सिलेक्शन की संभावना उतनी ज्यादा है। तो जीके को आप ऐसे सोच के मत चलना कि इतने नंबर के सब्जेक्ट में कर लेंगे, बाद में आपको दुख जीके ही देगी। समझ रहे हो, मैं पहले ही कह के जा रहा हूँ, जीके आपको बाद में दुख देगी, इसीलिए जीके को कर लेना आप अच्छे से। और कोई किसी की क्वेरी है तो बताओ, ऑनलाइन वालों में है किसी की? और आप पर्सनल भी मुझे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नंबर नोट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 97 9784825272। लोगों से भी दिक्कत तो नहीं आएगी? और किसी की कोई क्वेरी हो तो बताओ। मुझे लगता है अभी वाले बच्चों में से किसी ने कॉल कर दिया सर। तुमने किया है कॉल? आप तो ऐसे बोल देना मैं स्पेन एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो करंट में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, बेसिक अगर एक नॉर्मल प्रोसेस देखा जाए तो 1.5 साल तक का करंट सफिशियंट होता है। और उसी समय अगर बजट अगर आपका आया हो तो बजट आपको पूरा पढ़ के जाना है। मैंने आर्थिक समीक्षा आपको बताई है, वो आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, उससे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उससे करंट भी कवर होता है, इकोनॉमिक्स भी कवर होता है। इकोनॉमिक्स में डाटा पूछा जाता है, जैसे कितना एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है ना, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें पूछी जाती है। कितना पशुपालन में है, राजस्थान में कितनी डेयरियाँ चल रही हैं, कितना क्या है, कितना एम रखा है फ्यूचर में गवर्नमेंट ने, तो इस तरह की चीज़ें जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आप एक बार पढ़ने लगोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और एक बार आप टीचर से गाइडेंस लोगे तो जीएस की अभी से कुछ भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह वो लेना है वो स्टार्ट करते, बाद में जीके नहीं पढ़ा जाएगा, पहले चलने तो जीके को, थोड़ा प्रेशर तो आएगा। क्या चीज़? देखो वो तो याद रखना पड़ेगा, हाँ कितना परसेंटेज है वो डाटा है नॉर्मल, वो रखना ही पड़ेगा, उसका कुछ अपन नहीं कर सकते। उसमें तो हमें भी समस्या आई थी, समस्या सबको आती है, डाटा याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ लोगों की जैसे मेमोराइज पावर बहुत ज़्यादा होती है,
बहुत ही ज़्यादा होती है। उन्होंने दो बार देखा जैसे प्रिंट हो गया, तो हर किसी की नहीं होती, तो उसके लिए क्या करना है आपको, बार बार उसको देखते रहना है। और वो कब तक देखना है, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, उसके बाद डेटा का क्या करोगे बस। एक बार आप पहले सिलेबस तो देखो, वो बाद में सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इनिशिएट तो करो उसको। कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ तो करो अभी से, आपको सब समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा किसी ज़्यादा लोगों से इधर उधर से ज़्यादा पूछने की और ज़्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, भिन्न भिन्न तरह के प्राणी भिन्न भिन्न तरह का ज्ञान देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। तो आप तो अपने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो और मेहनत करो, कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि एक बार व्यक्ति असफल हो जाए तो आगे कुछ नहीं कर सकता, खूब सारी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में। आप तो तैयारी करें। थैंक यू।